गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1.5। यह है आपका लेक्चर 1.5 और जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दे मे बी इन सीरीज और दे मे बी इन पैरेलल। सो जो पहली पॉसिबिलिटीज है वो क्या है कि आपका जो सर्किट है वो कैसा हो, सीरीज में हो, और दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो सर्किट है ये कैसा हो, पैरेलल हो। तो देखिए, अब आप सीरीज सर्किट यूज करेंगे या पैरेलल सर्किट यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिवाली के लिए, क्रिसमस के लिए या मैरिज सेरेमनी के लिए, डेकोरेटिंग पर्पस के लिए अगर आपको लाइट की लड़ियां चाहिए, तो उसमें आप देखते हैं कि जो 100 से लेकर 1000 तक जो बल्ब हैं आपका, वो सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। उनका एक रीज़न है, वो सीरीज में कनेक्ट इसलिए है क्योंकि इन सभी बल्ब को आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए सिर्फ एक सिंगल स्विच की जरूरत होगी। उसके साथ क्योंकि ये सभी सीरीज में करंट है तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है, और उस वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो होगा वो काफ़ी लो होगा। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक बल्ब किसी भी वजह से अगर काम करना बंद कर देता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपकी पूरी लड़ी काम करना बंद कर देगी। इलेक्ट्रिशियन को इसे ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि उसे सबसे पहले वो फ्यूज बल्ब को लोकेट करना होगा और फिर उसे रिप्लेस करना होगा। घरों में जो हम सर्किट यूज करते हैं वो पैरेलल सर्किट है और इसके अपने फायदे हैं। इसकी कुछ सबसे मेन फायदों में से एक ये है कि पैरेलल सर्किट में आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इंडिविजुअल या सेपरेट स्विच यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि जो आपका घरों में वायरिंग की जाती है वो कैसी होगी, आपका पैरेलल होगी। सीरीज सर्किट के या सीरीज वायरिंग के क्या आपके ड्रॉबैक हैं और पैरेलल सर्किट या पैरेलल वायरिंग के क्या आपके एडवांटेज है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा सीरीज और पैरेलल सर्किट का। तो देखिए, पहले हम सीरीज का बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स है, ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स है 220 वोल्ट पे। आप और हम सभी जानते हैं घरों में जो हमारा पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट पे होती है, ये हमारे बल्ब है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारा स्विच है, ये हमारे जो आपका बल्ब या दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो किसमें कनेक्टेड है, आपका सीरीज में। अगर आप बात करते हैं पैरेलल की तो देखिएगा, ये हमारे पास आपका वही 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं कि पैरेलल पावर सप्लाई में, पैरेलल सर्किट में हर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का अपना एक सेपरेट स्विच है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये आपका सीरीज वायरिंग है और ये आपका पैरेलल वायरिंग है। पैरेलल वायर को एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुक में ये इस तरह से दिया गया है। एक और तरीका है जिससे आप पैरेलल वायर को, वायरिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है।
ये आपका 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है। देखिएगा यहां पे सर्किट में जंप, ये इंडिकेट करता है कि वायर, ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से तो ये भी एक तरीका है आपका पैरेलल सर्किट को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज योर पैरेलल सर्किट। तो अभी तक हमने देखा कि आप पैरेलल सर्किट यूज करेंगे या सीरीज सर्किट यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। डोमेस्टिक जो आपका वायरिंग होती है वो बेसिकली आपका पैरेलल होती है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता आपका वो है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। क्या इसके डिसएडवांटेज है? बेसिकली इसके चार डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज सर्किट में अगर आपका कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होता है तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सर्किट के दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा कि अगर सीरीज सर्किट में आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी खराब हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमने आपको एग्जांपल दिया था एक सीरीज सर्किट का। लेट सपोज अगर इसमें ये इलेक्ट्रिकल बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप देख रहे हैं सर्किट आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो भी ग्लो नहीं करेंगे। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। अगर आप बात करते हैं इसके सेकंड डिसएडवांटेज की, तो जो उसका सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि सीरीज जो आपका सर्किट है वहां पे सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल स्विच होगा। आप सर्किट में इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेपरेटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कर सकते। मैं फिर से वही फिगर आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस फिगर में यहाँ पे देखें तो आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल स्विच है। इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने पे पूरे सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो स्विच ऑफ या स्विच ऑन हो जाएंगे। आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेपरेटली स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड आपका ड्रॉबैक है वो कुछ इस तरह से है। थर्ड ड्रॉबैक आपका यह है सीरीज सर्किट में कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो जो आपका पावर सप्लाई है 220 वोल्ट की उसी वोल्ट पे काम नहीं करते हैं। या दूसरे शब्द में आप ये कहें कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पावर सप्लाई का जो पोटेंशियल है उसके इक्वल नहीं होता। इस सिचुएशन में आप देखें, इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप देखें तो इन तीनों बल्ब के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो 220 वोल्ट नहीं है। तो सीरीज सर्किट का जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है आपका कि सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो पावर सप्लाई के वोल्टेज से डिफर होता है। और इस वजह से बहुत से आपके ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे जिनको नेसेसरी वोल्टेज नहीं मिल पाती है। चौथा जो उसका ड्रॉबैक है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके सीरीज में कनेक्ट हैं और सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इन
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस वजह से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट काफ़ी कम होगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाता है। तो ये थे आपका डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, देखिए अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट की तो इसका क्या एडवांटेज है। देखिएगा जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि पैरेलल सर्किट में अगर आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक नहीं होता और रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना काम करते रहते हैं। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा यह पर्टिकुलर एग्जांपल था जो हमने यूज़ किया है। लेट सपोज अगर इसमें से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपका फ्यूज़ हो जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आपका अपना काम करते रहेंगे, वो ग्लो करते रहेंगे। ये आपका सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के खराब हो जाने पर पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता था और जिस वजह से आपके रिमेनिंग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो भी काम नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी वजह से आपका, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपका काम करना बंद करता है तो उसके बाद भी जो आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो ग्लो करते रहेंगे। जो इसका दूसरा ड्रॉबैक है वो आपका ये है कि जो दूसरा एडवांटेज है आपका पैरेलल सर्किट का वो कुछ ये है। अगर आप देखें कि ईच बल्ब का अपना क्या है, सेपरेट स्विच है। सो जो आपका पैरेलल सर्किट का दूसरा एडवांटेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके इन ईच और एवरी इंडिविजुअल जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका सेपरेट स्विच है, जिस वजह से आप उनको सेपरेटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सीरीज सर्किट में आपके पास नहीं थी। आप देख रहे हैं आपके तीनों बल्ब के सेपरेट स्विच हैं और आप इन तीनों बल्ब को ही इंडिविजुअली सेपरेटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड इसका एडवांटेज था। जो नेक्स्ट है इसका थर्ड एडवांटेज पैरेलल सर्किट का वो ये है आपका कि पैरेलल सर्किट में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके अक्रॉस वही वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आपका पावर सप्लाई का वोल्टेज है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस फिगर को एक बार और देखें, आपको दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं वो पावर सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं और आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो इन सभी बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, 220 वोल्ट। तो पैरेलल सर्किट का या पैरेलल वायरिंग का जो तीसरा आपका एडवांटेज है वो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सभी आपका उसी वोल्टेज पे होंगे जो वोल्टेज आपका पावर सप्लाई की होगी। चौथा जो इसका एडवांटेज है वो देखिएगा क्या है। चौथा इसका एडवांटेज ये है क्योंकि पैरेलल में आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट किए जाते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा और इस वजह से सर्किट में जो करंट है वो ज़्यादा होगा और आपका हर एक इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, वो अपनी नीड के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ कर पाएगा। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। अब आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका साइंस फॉर 10th क्लास पार्ट 1 फिजिक्स बाय लखमीर सिंह एंड मनजीत कौर बुक से है। मैंने आपसे कहा था कि हम यही बुक फॉलो करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ये आपसे कह रहा है कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो। आपको तीन सर्किट्स के फिगर दिए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है इन विच सर्किट आर द लैंप डिमेस्ट। इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैंप ऑफ इक्वल ब्राइटनेस टू द लैंप इन द सर्किट 1। और नंबर 3 है आपका विच सर्किट गिव्स आउट द मैक्सिमम लाइट। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए
सबसे पहले हम तीनों फिगर बनाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपका फर्स्ट फिगर देखिएगा, ये आपका पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई से एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कनेक्ट किया गया है। जो इसका सेकंड सर्किट है वो कुछ इस तरह से है, पावर सप्लाई सेम पावर सप्लाई है। सेम पावर सप्लाई से मेरा मतलब है अगर इस पावर सप्लाई का वोल्टेज V है तो इस पावर सप्लाई का वोल्टेज भी V है, और इसके अक्रॉस आपके दो इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। जो आपका थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में देखिएगा, ये पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई के अक्रॉस आपने दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि तीनों सिचुएशन में पावर सप्लाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी वोल्ट है और ये सभी बल्ब आपके सेम रेजिस्टेंस के हैं। सो लेट सपोज इन सभी बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इन विच सर्किट द लैंप आर डिमिस्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन सा लैंप डिमिस्ड है, कौन सा लैंप ब्राइटेस्ट है, ये डिपेंड करता है उससे फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ करंट पे। तो आप ये समझेंगे जिस लैंप से सबसे कम अमाउंट में करंट फ्लो होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे कम होगी, जिस लैंप में सबसे ज्यादा अमाउंट में करंट होगा करंट फ्लो होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा काम ये है हम तीनों केसेस में आपका करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आपके जो तीनों क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट केस में करंट कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हो टोटल पोटेंशियल कितना है वी, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर। तो फर्स्ट केस में जो करंट आई वन होगा वो कितना होगा, वी अपॉन आर। सेकेंड केस में अगर आप देखें करंट आई टू अगर हम निकालना चाहें, टोटल पोटेंशियल कितना है वी और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर, और आर ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू आर। अगर हम यहां देखें यहां पे टोटल करंट आई वन था, यहां पे टोटल करंट आपका आई टू था, यहां पे टोटल करंट कितना है आई थ्री। अगर आप आई थ्री कैलकुलेट करना चाहें तो आपको देखिएगा कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर, और आर दो रेजिस्टेंस हैं आपके दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, आर बाय टू। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर बाय टू। तो आप ये चेक करते हैं, कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस सिचुएशन में आपका जो टोटल करंट है वो होगा आपका वी अपॉन आर बाय टू। अब ये आई थ्री करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये करंट आपका आई थ्री डैश है और जो सेकंड आर्म ऑफ फ्लो हो रहा है वो आपका आई थ्री डबल डैश है। आप जानते हैं दोनों आर्म रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो आपका आई थ्री डैश और आई थ्री डबल डैश दोनों की जो वैल्यू है आपका वो वी अपॉन आर और वी अपॉन आर होगी। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इन सभी बल्ब से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिया। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका इन विच सर्किट आर द लैंप डिमिस्ड, किस सर्किट में लैंप जो है आपका डिमिस्ड होगा। तो ये चेक करते हैं कि सबसे कम करंट किसमें फ्लो हो रहा है आपका, वो है आपका सर्किट वन। तो सर्किट वन में जो लैंप की ब्राइटनेस होगी वो सबसे कम होगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, उसका आंसर है आपका सर्किट वन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये है आपका इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैंप ऑफ इक्वल ब्राइटनेस टू द लैंप इन द सर्किट वन। देखिए अगर आप लास्ट मैं यहां इसमें देखें लास्ट पेज में जो हमने डिस्कस किया था उसमें देखें तो आपको दिख रहा है कि
सर्किट वन में जो बल्ब है आपका उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, बी अपॉन आर, और सर्किट थ्री में जो बल्ब है आपके, इन दोनों में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, वी अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट थ्री में जो बल्ब है उनकी ब्राइटनेस, जो सर्किट थ्री में इंडिविजुअल बल्ब है उनकी ब्राइटनेस, और जो आपका सर्किट वन में जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस, दोनों सेम है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी है उसका आंसर है सर्किट थ्री। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा विच सर्किट गिव आउट द मैक्सिमम लाइट। तो देखिए अगर आप फिर से देखें अपने फिगर को, तो जो आपका सर्किट थ्री है इसमें मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो ब्राइटनेस होगी, जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। तो जो हमारा थर्ड था उसका आंसर भी क्या है आपका, सर्किट थ्री। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।